अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम माई डियर एंड रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी विच आर द ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग्स। चाहे वाइवा हो, आसपी हो या रिटन क्वेश्चन हो, इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछा जाता है, एससीक्यू फॉर्म में भी पूछा जाता है, या फिर वाइवास में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी एग्रीकल्चरल पॉइजनिंग जो होती है ना, एग्रीकल्चरल पॉइजनिंग दैट इज़ ड्यू टू दीज ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। बेसिकली दीज आर द नर्व एजेंट्स। तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले कि ये क्या थे। अर्लीस्ट रिकॉर्डेड यूज़ इज़ बाय नेटिव ट्राइब्समैन ऑफ अफ्रीका हु यूज्ड कैलबर बीन एज एजेंट इनहिबिटिंग कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। ये है बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एसीटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, जो कि अबंडेंट एसीटाइल कोलीन को डिग्रेड करता है। ठीक है जी। अब होता क्या है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर ये कंपाउंड्स आके एक्ट करते हैं और एसीटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। एसीटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करने का मतलब क्या है कि वो एसीटाइल कोलीन की डिग्रेडेशन नहीं करेगा, जिससे एसीटाइल कोलीन की कंसंट्रेशन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अब दिस एसीटाइल कोलीन इज़ अ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड इट विल बी फ्रीली अवेलेबल टू एक्ट। अब ये जितने भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स और मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनको ऑक्यूपाई कर लेता है और उनकी एक्साइटेशन करता है, जिससे बॉडी में निकोटिनिक इफेक्ट्स आते हैं और मस्करिनिक इफेक्ट्स आते हैं, और उन दोनों से रिलेटेड सिम्टोमटोलॉजी फिर बॉडी में अपीयर होती है। वो हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। अभी आपने सिर्फ यही याद रखना है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स का बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये एसीटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इन 1864 इट्स एक्टिव प्रिंसिपल वाज आइसोलेटेड नोन एज फाइदोस्टिग्मीन। इसका एक्टिव प्रिंसिपल जो है वो क्या है, फाइदोस्टिग्मीन है। फर्स्ट ऑर्गेनोफॉस्फोरस कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर वाज टेट्रा इथाइल पाइरोफॉस्फेट। जो सबसे पहले आइसोलेट किया गया ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड था वो था TEPP, टेट्रा इथाइल पाइरोफॉस्फेट। ये MCQ क्वेश्चन है। इन 1930 इंटरेस्ट इन बोथ फाइदोस्टिग्मीन रिवर्सिबल एंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स इंक्रीज्ड। रिवर्सिबल यूज फॉर इंटेस्टाइनल एटोनी, माइस्थीनिया ग्रेवस एंड ग्लाकोमा। अब देखें, दो तरह का था, एक रिवर्सिबल फाइदोस्टिग्मीन थी और दूसरा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड से जो कि इरिवर्सिबल थे। ठीक हो गया ना। रिवर्सिबल को तो हम रिवर्स कर सकते हैं ना, वो इंटेस्टाइनल एटोनी, माइस्थीनिया ग्रेवस या ग्लाकोमा की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते थे, जबकि इरिवर्सिबल जो है ना वो ज़्यादा लीथल साबित होते थे। फाइव ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स आर रिगार्डेड एज नर्व एजेंट्स। उनमें टॉबन, सारीन, सोमन, GF और VX। इन 1936 गरहार्ड श्रेडर सिंथेसाइज्ड टॉबन एंड देन सीरीन एंड हैंडेड ओवर टू जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ऊपर दो जो चीज़ें याद रखेंगे, एक तो फर्स्ट आइसोलेटेड ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड कौन सा था, टेट्रा इथाइल पाइरोफॉस्फेट। दूसरा इसका इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये एसीटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, दस इंक्रीजिंग द एक्शन ऑफ एसीटाइल कोलीन एंड दस एनहांसिंग द मस्करिनिक एंड निकोटिनिक इफेक्ट्स इन द बॉडी। आगे दो तरह के हैं, रिवर्सिबल हैं और इरिवर्सिबल हैं। जो रिवर्सिबल हैं वो ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इंटेस्टाइनल एटोनी, माइस्थीनिया ग्रेवस और ग्लाकोमा को। देन कम द पेस्टिसाइड्स। पॉइजन गैस रिसर्च इन जर्मनी यील्डेड द ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, द बेस्ट नोन ऑफ विच इज पैराथायन। फर्दर रिसर्च यील्डेड हंड्रेड ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, द मोस्ट नोटवर्दी बींग मेलाथायन।
पैराथायोन एंड मेलाथायोन। टुडे सम 1900 एक्टिव केमिकल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर 40,000 कमर्शियल प्रेपरेशंस। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एस्टिमेट्स दैट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स डबल बिटवीन 1960 एंड 1980। बेसिकली ये पेस्टिसाइड्स को हम क्यों डिस्कस करें, ऑल द पेस्टिसाइड्स ऑलमोस्ट आर द ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। करंटली ओवर 372 billion किलोग्राम्स अ ईयर आर यूज इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद ओवर 1.8 billion किलोग्राम अ ईयर यूज वर्ल्ड वाइड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पेस्टिसाइड, द फंक्शन ऑफ ए पेस्टिसाइड इज टू किल और हार्म सम फॉर्म ऑफ लाइफ, चाहे वो एनिमल लाइफ है चाहे वो प्लांट लाइफ है। डेफिनेशन ईपीए, ईपीए का मतलब ये है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ यूएस यूनाइटेड स्टेट्स। उसके मुताबिक अ पेस्टिसाइड इज एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इंटेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग, डिस्ट्रॉइंग, रिपेलिंग और मिटिगेटिंग एनी पेस्ट। अ पेस्ट इज एनी हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव और ट्रबलसम एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, ट्रबलसम एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, उसको किल करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं या जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड यूज करते हैं, उनको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। नाउ व्हाट आर द क्लासेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये वाइवे में पूछा जा सकता है। उनमें इंसेक्टिसाइड्स हैं जो इंसेक्ट्स को किल करती हैं, हर्बिसाइड्स हैं वो प्लांट्स को किल करती हैं, रोडेंटिसाइड्स जो हैं वो रोडेंट्स को किल करती हैं, फंगीसाइड्स जो हैं वो फंगस को किल करती हैं, और फ्यूमीगेंट्स जो हैं किल वट एवर जो भी आए उसको ये किल कर देते हैं। इंसेक्टिसाइड में ऑर्गेनोलिन्स हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, कार्बामेट्स हैं और सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को किल करते हैं, रोडेंटिसाइड्स रोडेंट्स को किल करते हैं, और इसी तरह फंगीसाइड्स वो फंगस को किल करती हैं। ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा इस स्लाइड से, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये आपसे कोई इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। जो असल चीज़ है वो है व्हाट इज़ द रूट अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। तो ये इनहलेशन, इंजेशन और डर्मल अब्जॉर्प्शन, इन तीन रूट्स के थ्रू ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, इनहलेशन, इंजेशन एंड डर्मल एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इन नर्वस सिस्टम रिजल्टिंग इन रेस्पिरेटरी, मायोकार्डियल एंड न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। नॉर्मली होता क्या है कि जब एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाता है तो एसिटाइल कोलिन की अबंडेंस हो जाती है इन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और वही एसिटाइल कोलिन फिर आगे निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्शन करती है और उनके इफेक्ट को एनहांस कर देती है एसिटाइल कोलिन। होम एक्सपोजर कैसे कैसे हो सकता है, एक्सीडेंटल इंजेशन हो सकती है, लॉन और गार्डन में जो यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स उनका एक्सपोजर हो सकता है, इंसेक्ट कंट्रोल के लिए ये जो मॉर्टीन ये सारे के सारे इंसेक्ट किलर हैं ये इनमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं, फूड सप्लाई है, वाटर सप्लाई है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, फार्म्स एंड फार्म वर्कर्स ज़्यादातर इससे इफेक्ट होते हैं, पेस्टिसाइड एप्लीकेटर्स, मैन्युफैक्चर, मिक्सिंग एंड हैंडलिंग, लैंडस्केपर्स एंड मैनी मोर। अदर एक्सपोजर्स क्या हैं, डाइट्री एक्सपोजर है, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज ऑन क्रॉप्स, कम्युनिटी एक्सपोजर है, एयरबोर्न ड्रिफ्ट फ्रॉम कमर्शियल एप और कंटेमिनेटेड ड्रिंक वाटर लीचिंग फ्रॉम सॉइल टू ग्राउंड वाटर। यानी कि ये इसके सोर्सेज हैं कि कैसे कैसे कहाँ ऑक्यूपेशनल ये एक्सपोजर के पूछा जा सकता है कि होम एक्सपोजर कैसे हो सकता है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कैसे हो सकता है, या अदर एक्सपोजर में डाइट्री है, कम्युनिटी है और कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर है। नो व्हाट आर द टारगेट ऑर्गन्स इन केस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पाइलिंग। तीन सिस्टम ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, नर्वस सिस्टम,
रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये टारगेट ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या हैं? इफेक्ट्स कॉज्ड बाय एक्सेस एसिटाइलकोलीन, जिसको हम कोलिनर्जिक सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें थ्री ग्रुप्स ऑफ एक्शंस आते हैं, जिसमें मस्कारिनिक इफेक्ट्स हैं पैरासिम्पेथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से, निकोटिनिक इफेक्ट्स हैं जो कि सिंपेथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से आएंगे, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स हैं। तीन तरह के इफेक्ट्स हैं, मस्कारिनिक इफेक्ट्स, निकोटिनिक इफेक्ट्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स। माइल्ड सिम्टम्स में क्या है? एनोरेक्सिया है, डिजीनेस है, एंग्जाइटी है, फेसिकुलेशंस ऑफ टंग एंड आईलिड्स, इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल एक्यूटी, हेडेक, वीकनेस, सबस्टर्नल डिस्कम्फर्ट, माइओसिस एंड लिथार्जी, ये आपने याद रखनी है। मॉडरेट सिम्टम में नाजिया, ब्रोंकोरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वोमिटिंग, हाइपरटेंशन, सेलिवेशन, लैक्रिमेशन, डायरिया, स्वेटिंग एंड मस्कुलर इफेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। एक को हम ना स्लड सिंड्रोम भी कहते हैं, स्लड सिंड्रोम, सेलिवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन और डायरिया। सेलिवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन एंड डायरिया स्लड सिंड्रोम, वो भी ऑर्गेनोफास्फोरस कंपाउंड में, इधर मॉडरेट सिम्टम्स में आती हैं वो स्लड सिंड्रोम, सेलिवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन और डायरिया। और जब हम सीवियर सिम्टम्स की तरह चले जाते हैं तो उसमें मायोसिस और मिड्रियसिस, डिजनिया, पल्मोनरी एडिमा, लॉस ऑफ स्फिंक्टर कंट्रोल, कोमा, कार्डियक इस्कीमिया, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, नॉन रिएक्टिव पीपल्स, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, साइनोसिस, कन्वल्जन, ब्रेडीकार्डिया, हाइपोकलीमिया, मस्कुलर पैरालिसिस। सीवियर सिम्टम्स में हर सिस्टम से रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सीवियरेस्ट जो सिम्टम हैं वो अपियर होना शुरू हो जाती हैं। नाउ वी हैव स्टडीड कि इसके निकोटिनिक और मस्कारिनिक इफेक्ट्स दो तरह के हैं। तो निकोटिनिक इफेक्ट्स में क्या आता है? स्केलेटल मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस। निकोटिनिक रिस्पॉन्स में फटीक, वीकनेस, ट्विचिंग, ट्रेमर्स, पैरालिसिस। और अगर कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है विच लीड्स टू टैकीकार्डिया एंड द हाइपरटेंशन, ये है सिंपैथेटिक एक्टिविटी इन्हांस होने के इफेक्ट्स। और मस्कारिनिक इफेक्ट्स में क्या है? एक तो मैंने स्लड सिंड्रोम आपको बता दी कि सेलिवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन और डायरिया, ये इफेक्ट्स आएंगे। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर अगर ये मस्कारिनिक इफेक्ट्स आते हैं तो क्या होगा? ब्रैडीकार्डिया विच लीड्स टू द हार्ट ब्लॉक। मस्कारिनिक इफेक्ट्स में ब्रोंकोस्पैज्म, ब्रोंकोरिया, एस्पिरेशन, ब्रैडी एरिथमिया, हाइपोटेंशन, ये वाले सारे के सारे सिम्टम्स आएंगे। डायग्नोसिस क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ हिस्ट्री इट इज इनिशियली क्लिनिकल। सबसे पहले तो फाउल स्मेलिंग, गार्लिक लाइक स्मेलिंग इन दी ब्रेथ आएगी, क्लॉथ्स कंटेमिनेटेड विद फीसेस एंड वोमिटिंग, फेवरेबल रिस्पॉन्स टू एट्रोपिन इज मोर यूजफुल डायग्नोस्टिक साइन। ऐसे पेशेंट जिसमें आप सस्पेक्ट कर रहे हैं या हिस्ट्री आपके पास फर्निश हो जाती है कि ये खेतों में काम कर रहा था, पेस्टिसाइड्स दे रहा था पौधों को, तो वहाँ से इसे ये चीज़ें शुरू हुई हैं, ये सारी की सारी सिम्टम टालोनी, तो फिर ऐसे पर्सन में आप एट्रोपिन चैलेंज देते हैं। एट्रोपिन दे, अगर सिम्टम रिवर्स होती हैं तो आपको डायग्नोज हो जाता है या मोस्ट फेवरेबल वो ऑर्गेनोफास्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग की डायग्नोसिस की तरफ चले जाती है। कोलिनेस्टेज ऐसे हम करवा लेते हैं। लेबॉरेटरी एनालिसिस में हम क्या करवाते हैं? क्ली कम्प्लीट ब्लड सेल काउंट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, आर्टीरियल पीएच एंड ब्लड गैसेस, लीवर फंक्शन टेस्ट, ईसीजी एंड चेस्ट एक्सरे और कोलिनेस्टेज लेवल्स। सीरम कोलिनेस्टेज नॉर्मल वैल्यू जो है उसकी 4500 टू 10,500 इंटरनेशनल यूनिट्स होती है। पेशेंट बिकम्स सिम्टोमेटिक व्हेन कंसंट्रेशन इज बिलो 70%। ओके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है? निकोटीन पाइदरिंग, ड्रग्स, पोंटाइन हेमरेज, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एस्थमा एंड गिलियन बारे सिंड्रोम।
ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा इसकी हिस्ट्री, ठीक है जी, कि सबसे पहला आइसोलेट होने वाला ऑर्गेनोफास्फोरस कंपाउंड कौन सा था, टेट्रा इथाइल पाइरोफास्फेट। रिवर्सिबल होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। दूसरा इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि ये एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, जिससे एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑक्यूपाइज द निकोटिनिक एंड मस्करिनिक रिसेप्टर इन द बॉडी एंड प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ निकोटिनिक एंड मस्करिनिक एनहांसिंग इफेक्ट्स। निकोटिनिक इफेक्ट्स अगर एनहांस होंगे तो फटीक, मसल वीकनेस, ट्विचिंग और पैरालिसिस और ट्रेमर आएगा, और अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है तो उससे टैकीकार्डिया और हाइपरटेंशन होगी, और मस्करिनिक अगर होते हैं तो उससे स्लड सिंड्रोम आती है, सैलिवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन और डायरिया, अबडामिनल क्रैम्प्स होंगे, और अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है तो क्या होगा, ब्रैडीकार्डिया विच लीड्स टू द हार्ट ब्लॉक। तो बाद पेशेंट्स में ये मिक्स्ड सिम्टम्स भी बाद का आ रहे होते हैं, आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है, आपकी एक गुड हिस्ट्री आपको इसकी डायग्नोसिस तक पहुंचा देती है। फिर हम मज़ीद कंफर्म करते हैं एट्रोपीन देके, अगर एट्रोपीन देने से इफेक्ट्स रिवर्सिबल होते हैं तो इसका मतलब ये कि ऑर्गेनोफास्फोरस कंपाउंड पायरिक हो सकती है, ठीक है। फिर हमने इसकी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियरेस्ट सिम्टम्स पड़ी ऑर्गेनोफास्फोरस कंपाउंड्स की। माइल्ड में बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स अभी शुरू ही होती हैं, एंग्जाइटी, नाजिया, वोमिटिंग की तरह पेशेंट जाता है। जो मॉडरेट सिम्टम्स हैं ना, उसमें निकोटिनिक और मस्करिनिक इफेक्ट्स दोनों आना शुरू होते हैं, मस्करिनिक में स्लड सिंड्रोम और निकोटिनिक इफेक्ट्स में ट्रेमर्स, फेसिकुलेशंस और फटीग और ट्विचिंग, पैरालिसिस वगैरह, हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया आना शुरू हो जाएंगी। और जो सीवियरेस्ट फॉर्म है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो सीवियरेस्ट फॉर्म्स हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। फिर हमने पढ़ा कि इसकी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करवाते हैं जी, हम कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करवाएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स करवाएंगे, आर्टीरियल पीएच और ब्लड गैसेस, लीवर फंक्शन टेस्ट, ईसीजी एंड चेस्ट एक्सरेज और कोलिनेस्टेज लेवल्स करवाएंगे। सीरम कोलिनेस्टेज लेवल हमारे लिए नॉर्मल वैल्यू की 4500 टू 10500 इंटरनेशनल यूनिट है, लेकिन जो पेशेंट सिम्टोमेटिक है तब बनते हैं जब एसिटाइल कोलिनेस्टेज की कंसंट्रेशन 70% से बिलो हो, ठीक है, फिर वो प्रॉपर एक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की मकदार हमारे जिसम में ज़्यादा हो जाएगी और वो सारी डिज़ायर्ड सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है कि निकोटीन पाइदरिंग एक इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, ड्रग्स इनटेक, पोन्टाइन हेमरेज, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एस्थमा और जीबी सिंड्रोम जो है इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मैनेजमेंट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोफास्फोरस कंपाउंड्स की। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।